हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुशील केसरी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट विद्या मंदिर क्लासेस HL कोरबा। दिस इज ओलंपियाड वीक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस DPP 2 ऑन द चैप्टर लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। दोज स्टूडेंट्स who have not seen my previous videos, kindly see it first. The link of previous videos has been given in the description section of this video. So there are 10 questions in this DPP 2. I had given DPP 1 earlier, so let's discuss this. Question number 1, 4 students A, B, C and D look through the pipes of different shapes to see a candle flame as shown in the figure. So here there are 4 pipes, different pipes. ये option में दिया हुआ है, option A, option B, option C और option D. 4 different types के pipes हैं यहाँ पे और एक candle है. तो हमें दूसरे end से इस candle को देखना है. क्वेश्चन इज हु विल बी एबल टू सी द कैंडल फ्लेम क्लियरली. सो वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. वी हैव स्टडीड इन द थ्योरी क्लासेस दैट द लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. सो इफ वी बेंड पाइप वी विल नॉट सी clearly the flame of candle. So in option A the pipe is bent, in option B also pipe is bent. यहाँ पे देखिए ये bend है, कई part में bend है. तो अब light travel होगी straight line path में, तो यहाँ से हम clearly light candle के flame को देख नहीं पाएंगे. Similarly in this option, option C, ये circular bend है, तो यहाँ भी हम जो है अदर एंड से कैंडल के फ्लेम को हम देख नहीं पाएंगे क्लियरली. और ये जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये जो पाइप है एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो कैंडल है, कैंडल से जो लाइट जाएगी वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती हुई ये अदर एंड पे जाएगी एंड वी कैन सी द कैंडल फ्लेम क्लियरली. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. सो हियर द कॉन्सेप्ट यूज दिस rectilinear property of light, that light travels in a straight line always. We can show this by also in another experiment. Suppose we take 3 different size cardboards. हम 3 different size के cardboards ले लेते हैं, then punch a hole in the center of each. और सभी के center पे एक हमने एक small hole बना दिया और इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं. अरेंज द पीसेस ऑन ए टेबल सच दैट होल्स आर इन लाइन, कि सारे जो होल्स हैं वो एक ही लाइन में अलाइन करें. देन प्लेस ए लाइट कैंडल ऑन वन साइड सच दैट द लेवल ऑफ फ्लेम इज एज हाई एज द होल्स. तो जिस लेवल में होल है उसी लेवल में हम कैंडल को रखते हैं और लेफ्ट साइड से, दूसरे साइड से हम कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू द होल्स. हम होल्स के थ्रू कैंडल को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, कैंडल की फ्लेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. देन व्हाट वी विल सी दैट वी कैन क्लियरली सी द कैंडल फ्लेम. क्यों? क्योंकि जो कैंडल से लाइट आ रही है वो होल के थ्रू हमारी आंखों पे पड़ेगी या ऑब्जर्वर की आंखों पे एकदम आएगी. स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी और सारे जो होल्स हैं वो एक ही लाइन में हैं, वो अलाइन्ड है और सेम लेवल पे कैंडल भी रखा हुआ है, सेम लेवल पे होल भी है. तो इस तरीके से जो भी लाइट कैंडल के थ्रू और होल के थ्रू पास होगी वो हमारी आंखों पे आएगी. बट अगर हम कोई भी कार्डबोर्ड को
डिफरेंट अलाइन कर दें, मीन्स उसका जो होल है, कोई भी एक होल को अगर हम ऊपर नीचे कर देते हैं तो जो लाइट स्टेट में आ रही थी वो हमारे आंखों पे नहीं आएगी। तो ये सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ एंड दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर टू, पहली ऑब्जर्व द शेडो ऑफ ए ट्री एट 8 AM, 12 noon एंड 3 PM। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजेस्ट टू हर ऑब्जर्वेशन अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो। तो डिफरेंट टाइम पे एक ट्री का शेडो ऑब्जर्व कर रही है ये पहली नाम की एक कोई स्टूडेंट है, और हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में विच इज ट्रू अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो। सो लेट्स रीड फर्स्ट। द शेप ऑफ शेडो ऑफ ए ट्री चेंजेस बट द साइज रिमेन द सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेप है वो चेंज होगा बट साइज सेम नहीं, रिमेन्स द सेम, सेम रहेगा। ओके, बी पार्ट इज द साइज ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री चेंजेस बट द शेप रिमेन्स द सेम। ओके, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो शेडो का साइज है वो चेंज होगा बट शेप सेम रहेगा। सी इज बोथ द साइज एंड शेप ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री चेंजेस, मतलब साइज भी चेंज होगा और शेप भी चेंज होगा शेडो का। नीदर द शेप नॉर द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। सो वी हैव अर्लियर स्टडीड दैट जो शेडो होगा उसका जो शेडो का शेप और साइज होगा वो टाइम के साथ साथ वेरी करता है, दोनों चीज़ें वेरी करेंगी। अगर मॉर्निंग में सपोज सनराइज कर रहा है तो उसका जो शेडो बनेगा, सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं और सनराइज़ कर रहा है ईस्ट में, तो हमारा जो शेडो बनेगा वो वेस्ट की तरफ बनेगा। अब अगर सन इज अबाउट टू सेट तो ये वेस्ट में होगा और इसका हमारा जो शेडो बनेगा वो ईस्ट की तरफ बनेगा। एंड 12 noon पे क्या होगा कि सन हमारे सिर के एकदम ऊपर होगा, तो जो हमारा जो शेडो बनेगा वो जस्ट नीचे बनेगा हमारे से, और उसका साइज भी बहुत छोटा रहेगा और उसका शेप भी डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग हमारा शेप भी चेंज होगा और साइज भी चेंज होगा। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ द साइज एंड शेप ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री चेंज। तो इस तरीके से हमें सारे ऑप्शंस को पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है, और फिर हमें उसको आंसर करना होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द टॉर्चेस ए बी एंड सी शोन इन द फिगर आर स्विच्ड ऑन 1 by 1। द लाइट फ्रॉम विच ऑफ द टॉर्चेस विल नॉट बी फॉर्म ए शेडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन। तो एक फिगर दिया हुआ है, इसमें देखते हैं। तो ये फिगर है और ये एक फुटबॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर। अब ये टॉर्च है, टॉर्च की लोकेशन दिखा रखी है, ये ए बी सी, और ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन यहाँ पे है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। द लाइट फ्रॉम विच ऑफ द टॉर्चेस विल नॉट फॉर्म ए शेडो ऑफ द बॉल ऑन द स्क्रीन। तो पूछा है कि कौन सी टॉर्च से जो लाइट आएगी उससे इस बॉल का या इस फुटबॉल का शेडो नहीं बनेगा स्क्रीन पे। तो देखें, अगर हम ए से देखें, ए से जो टॉर्च आएगी वो यहाँ पे क्या होगा, ये शेडो हमेशा आउटलाइन को फॉर्म करती है, तो ये यहाँ पे इसका स्क्रीन बन जाएगा। सिमिलरली बी से जो टॉर्च आएगी वो इससे पास हो रही है और इधर एक स्क्रीन रखा हुआ है, तो शेडो फॉर्मेशन हो जाएगा। शेडो फॉर्मेशन के लिए हमेशा एक स्क्रीन की जरूरत है, बिना स्क्रीन के शेडो फॉर्म
शेडो फॉर्म तो हो सकता है, बट हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, विजुअल नहीं रहेगा। अब सी अगर हम बात करें तो सी का शेडो कहीं इधर बनेगा बट वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इधर कोई भी स्क्रीन नहीं है। तो सी से जो लाइट आएगी उस लाइट से इस फुटबॉल का कोई भी शेडो नहीं बनेगा। सो मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर इज ट्रांसल्यूसेंट ग्लास शीट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट बाई अप्लाइंग। मतलब ये होगा कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है हमारे पास और उससे हमें ट्रांसल्यूसेंट ग्लास शीट बनानी है, तो किस तरीके से बनाएंगे ये पूछा हुआ है। बाई अप्लाइंग फर्स्ट ऑप्शन इज ऑयल, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रीस, थर्ड इज बटर एंड फोर्थ इज एनी ऑफ दिस। तो अगर हम ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट में ऑयल स्प्रेड कर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं तो लाइट जो है वो उस सरफेस से कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, गो थ्रू नहीं हो पाएगी पूरी की पूरी लाइट। तो ये मटेरियल कैसा हो गया? ट्रांसल्यूसेंट हो गया। सिमिलरली अगर हम ग्रीस लगा देते हैं तब भी जो इंसिडेंट लाइट है उस सरफेस पे वो पूरी की पूरी ट्रांसमिट नहीं होगी। और बटर भी एग्जांपल है, अगर बटर को हम लगा देते हैं ग्लास शीट पे, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट पे, तब भी पूरी की पूरी जो लाइट है वो उस सरफेस से पास नहीं होगी। सो दिस ऑल आर द मटेरियल इफ वी अप्लाई ऑन द ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट देन वी कैन गेट द ट्रांसल्यूसेंट ग्लास शीट। सो मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ दिस। मीन्स ऑयल भी हम लगा सकते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं और इनको लगा करके एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट से यहाँ पे हम ट्रांसल्यूसेंट ग्लास शीट फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में आते हैं। स्टूडेंट कवर्ड ए टॉर्च विद रेड सेलफोन सेलोफेन शीट टू ऑब्टेन रेड लाइट। यूजिंग द रेड लाइट शी ऑब्टेन्स ए शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शी रिपीट दिस एक्टिविटी विद ग्रीन एंड ब्लू लाइट। ओके, विल द कलर ऑफ द लाइट अफेक्ट द शेडो। तो पूछा है कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे हम थ्री डिफरेंट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं वन बाई वन। फर्स्ट इज रेड लाइट, सेकेंड इज ग्रीन लाइट एंड थर्ड इज द ब्लू लाइट। तो पूछा है कि कलर ऑफ द लाइट आफ्टर अफेक्ट द शेडो। क्या शेडो पर कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा लाइट का, कि जो डिफरेंट हम लाइट ले रहे हैं? तो हम लोगों ने थ्योरी क्लास में स्टडी किया था कि जो शेडो है डजेंट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द लाइट। चाहे आप रेड लाइट इंसिडेंट कराएं, चाहे आप ग्रीन लाइट इंसिडेंट कराएं, चाहे कोई भी लाइट आप इंसिडेंट कराएं, शेडो हमेशा डार्क बनेगी, ब्लैक बनेगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो। विल द कलर ऑफ द लाइट अफेक्ट द शेडो? नो। सो आंसर विल बी बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स। थ्री आइडेंटिकल टॉवेल्स ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर्स आर हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ लाइन इन द सन। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द शेडो ऑफ दिस टॉवेल्स। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें, थ्री डिफरेंट कलर की टॉवेल्स हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, और इस पर एक सनलाइट इंसिडेंट हो रही है और इसका शेडो बन रहा है। तो हमें पूछा है कि कलर ऑफ द शेडो क्या होगा। तो कलर ऑफ द शेडो तो हमेशा ब्लैक ही रहेगा, डजेंट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने एक एग्जांपल लेकर के थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था, रोज का एग्जांपल लिया था, एक येलो कलर का रोज लिया हुआ था और एक रेड कलर का रोज लिया था, और स्क्रीन पे हमने देखा था कि दोनों का जो शेडो बनेगा वो सेम बनता है, ब्लैक कलर का बनता है। चाहे रेड कलर का रोज लें, चाहे पिंक कलर का लें, चाहे येलो कलर का लें, किसी भी कलर का ले लें, तो जो उसका शेडो बनेगा वो सेम बनेगा, डजेंट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द रोज और कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दैट इज ब्लैक। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर सेवन।
अर्थ इन ए लाइन बिटवीन द सन एंड द मून इज। तो ये एक शेडो का एप्लीकेशन है। यहाँ पे ऑप्शंस आर लूनार इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, बोथ एंड नन। तो पूछा है कि अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ गया तो क्या होगा, तो दिस इज लूनार इक्लिप्स। व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून। जब अर्थ आ जाएगा मून और सन के बीच में क्या होगा, शेडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द लूनार इक्लिप्स। व्हेन द मून इज कंप्लीटली शेडोड वी ऑब्जर्व ए टोटल लूनार इक्लिप्स। अगर मान लीजिए पूरा उस पर शेडो आ रहा है मून पे, देन वी कॉल्ड इट एज टोटल लूनार इक्लिप्स। इन केस ऑफ पार्शियली शेडोइंग इट इज पार्शियल लूनार इक्लिप्स। ये टोटल लूनार इक्लिप्स और पार्शियल लूनार इक्लिप्स आपको ये पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, ए लूनार इक्लिप्स ऑलवेज हैपेंड ऑन ए फुल मून डे। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन फॉर लूनार इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, लूनार इक्लिप्स ऑलवेज हैपेंस ऑन ए फिल इन द ब्लैंक से मून डे। तो ये चीज तो अभी हमने डिस्कस किया कि लूनार इक्लिप्स ऑलवेज हैपेंस ऑन ए फुल मून डे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो फुल हो जाएगा, फुल मून डे। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9, मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया। तो व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ इट्स शेडो माइट फॉल ऑन सम पोर्शन ऑफ द अर्थ। सो द रीजन ऑफ अर्थ दैट फॉल्स इन दिस शेडो ऑफ द मून एक्सपीरियंस ए सोलर इक्लिप्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द सोलर इक्लिप्स। ए सोलर इक्लिप्स ऑलवेज हैपेंस ऑन ए न्यू मून डे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस विल बी सोलर इक्लिप्स। हियर ऑल्सो यू कैन डिफाइन टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इफ कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गया सपोज मून, तो टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। एंड इफ सन विल बी पार्शियली ब्लॉक्ड देन इट इज कॉल्ड एज द पार्शियल सोलर इक्लिप्स। And one more thing, it is not advisable to view a solar eclipse with naked eye. आप naked eye से हमेशा इसको नहीं देखते because eye can be damaged permanently. Eyes में problem आ सकती है, we should watch it through the safety glasses. A smoked sheet of the glass can also be used to view the solar eclipse. So we will not see the solar eclipse with naked eyes. Next is, air around us is transparent, but when thick smoke, thick cloud etc. are present in the air, it does not remain transparent. This statement is, हमें एक statement दिया हुआ है और इस statement के बारे में पूछा है, जो हमारे आसपास की जो air है वो transparent है। यहाँ पे एयर की जो बात हो रही है वो एकदम नीट एंड क्लीन एयर की बात हो रही है, प्योर एयर की बात हो रही है। बट इफ़ थिक स्मोक और थिक क्लाउड्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द एयर, कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, थिक स्मोक हो गया, थिक क्लाउड हो गया एयर में अगर प्रेजेंट है, देन इट डज नॉट रिमेंस ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। वी कैन ईजिली सी दिस इन डेली लाइफ, जो एयर है वो प्योर एयर है, वो हम उसके थ्रू लाइट का ट्रांसफर हो जाता है, सो दिस इज ट्रांसपेरेंट। बट अगर एयर, इस एयर में स्मोक आ गया, डस्ट पार्टिकल आ गया, थिक क्लाउड्स आ गए, सो तो ये जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, एकदम ट्रू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कोई अगर डाउट आता है तो आप लोग ग्रुप पे आप अपनी डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूँगा इन द सेम डे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।